वैल्यूज आ गए। नाउ वी हैव टू फाइंड हियर फर्स्ट टर्म, वो तो हमारे पास है दैट इज 18 यहां पे, सेकेंड टर्म है 13। अब थर्ड टर्म हमें देखिए, थर्ड टर्म कहां से मिलेगा हमें, सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म इज 13 प्लस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज हियर -5, दैट इज 13 -5, वो क्या मिलेगा हमें, दैट इज 13 -5 इज 8। इस तरह ये क्वेश्चन भी, ये पार्ट भी सिंपलीफाई हो गया इसका। नाउ वी हैव लास्ट पार्ट ऑफ दिस, दैट इज थर्ड पार्ट, इसको हम किस तरह सिंपलीफाई कर लेंगे। वी हैव हियर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू हियर -4, ये आप पे कर लेना। वी हैव हियर ए इज इक्वल टू -4 बट वी डज नॉट हैव हियर वैल्यू ऑफ डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है, बट वी हैव फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म हमारे पास गिवन है, दैट इज ए सिक्स एन इज इक्वल टू 6, ए सिक्स इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, दैट इज 6 माइनस वन इन टू डी, डी हमारे पास नहीं है, दैट इज ए सिक्स हमारे पास 6 ही है, दैट इज इक्वल टू ए इज -4 प्लस 5, 6 माइनस वन दैट इज 5 इन टू डी, ये लेफ्ट साइड में आएगा, इट बिकम्स पॉजिटिव हियर, दैट इज 6 प्लस 4 दैट बिकम्स 10, इट इज इक्वल टू 5 डी, और डी इज इक्वल टू 10 बाई 5, 5 वन इज आर, 5 टू इज आर, वी हैव कॉमन डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 2, देयर स्टूडेंट इज फर्स्ट टर्म इज -4, कॉमन डिफरेंस इज हियर 2, इफ वी हैव कॉमन डिफरेंस इन फर्स्ट टर्म ऑफ ए गिवन एपी, वी कैन इजिली फाइंड एनी टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वी हैव -4 फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म में यहां पे -4 प्लस कॉमन डिफरेंस, दैट इज -4 प्लस 2 दैट बिकम्स हियर -2, ये यहां पे आ गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, थर्ड टर्म इज सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म इज -2, कॉमन डिफरेंस इज 2, दैट इज प्लस 2, -2 प्लस 2 इट बिकम्स हियर 0, यहां पे 0 होगा। नाउ जो नेक्स्ट टर्म होगा वो कहां से मिलेगा हमें, दिस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस से हमें ये टर्म मिलेगी। नाउ यहां पे टर्म जो है दैट इज 0 प्लस कॉमन डिफरेंस इज हियर 2, दैट इज 0 प्लस 2 वी हैव हियर 2। अब हमें ये वाली टर्म देखनी है, नेक्स्ट टर्म, ये कहां से मिलेगा हमें, दिस टर्म द वैल्यू ऑफ दिस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है, वी हैव हियर 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास जो हमने यहां पे डिस्कस किए कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।